व्हाट्स अप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो आपको पता है कि हम लोग क्या चल रहा है, अभी हम लोग का क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग सेट बना रहे हैं, सैम्पल पेपर बना रहे हैं, उस पर क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सातवां सीरीज है हम लोग का, छः सीरीज हमने बना लिया है। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ, मैक्सिमम नंबर 40 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए बी सी में रहेंगे। सेक्शन ए आपके हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन कितने रहेंगे 6 रहेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अगर ये लेक्चर आपको लास्ट में अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगता हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया गया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 kx + 18 = 0 है जो इक्वल रूट। सबसे पहले आपको सिचुएशन क्या होगा, अगर इक्वल रूट लाना है तो डी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो डी इक्वल टू कितना होता है, b² - 4ac। अब बी कितना है यहाँ पर, 2√2 kx² - 4। ए कितना है, 1 है। सी कितना है, 18 है। इसको थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूँ, b² - 4ac को। अब देखिए 2√2 को स्क्वायर करेंगे, 2 × 4 = 8, 8k² - 72 = 0, 8k² = 72, ठीक है। k² = 72/8, ये 9 हो गया। k = ±3, k की वैल्यू कितनी होगी, ±3 हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसका जो इंटरनल चॉइस से क्वेश्चन 2 नंबर है वो देखिए। क्वेश्चन है आपका, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ a² - bx + c = 0, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। माइनस बी के जहाँ पे क्या है, माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द एपी, एपी हमें निकालना है, ये अपना चैनल का नाम है। फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। थर्ड टर्म को a + 2d लिख सकते हैं = 5, एंड सेवन्थ टर्म कितना है, a + 6d = 9। अब माइनस चेंज साइन चेंज करते हैं, a से a ख़त्म हो गया, -4d = -4, d = 1 हो गया। पहले वाला इक्वेशन पे d की वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन a प्लस कितना था, 2d = 5, a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 1 निकाला था हमने, तो 2 × 1 = 5, a = 3। अब हमें ap लिखना है, तो a हमें पता चल गया, d पता चल गया, a कितना निकला, 3 निकला, d 1 था, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। ये हमने ए पी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी, इस फिगर में कॉमन टेंजेंट है ए बी एंड सी डी टू द टू सर्किल विद सेंटर ओ वन एंड ओ टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है। प्रूव डेट ab = cd। सबसे पहले देखिए, ये ट्रेंगल सर्किल आपको ओ वन लेना है जिसका सेंटर ओ वन है, इसमें टेंजेंट कौन कौन से है, ए ई और सी ई इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि किसी सर्किल के किसी एक पॉइंट से बाहर वाले पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए ये थ्योरम हो गया, a = ce, और सर्किल टू में देखिए O2 में CED = BE, ठीक है, ED = BE। अब देखिए दोनों को, ये देखिए, अब हमने लिखा AE = CE और BE = DB। कैसे लिखा है, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम है, ठीक है, टेंजेंट का थ्योरम है, ये हो गया। अब इक्वेशंस 1 ये इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो AE + BE = CE + DB। अब AE = BE कितना हो गया, AB हो गया ये, और CE = DE, तो हो जाएगा ये CD हो जाएगा, तो AB = CD हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, एक कोन है, हमने कोन बनाया, ठीक है। हाइट इसकी कितनी है, ये वाली हाइट है, सिलेंडर हाइट नहीं, हाइट 24 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस है बेस का 6 सेंटीमीटर। इफ़ वी रीशेप, इसको रीशेप करते हैं,
ये किले का मिट्टी का बना हुआ है, मतलब कि इसका इफ़ वी दी सेप इट इन टू स्पेयर, इसको स्पेयर में रिसेप फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर। देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम दोनों की सेम रहेगी, तो कौन का वैल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्पेयर की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यू। रखते नहीं है, 3 से 3 ख़त्म हो गया, पाई से भाई ख़त्म हो गया। इसकी आर कितनी है 6 स्क्वायर 24, इसका आर हमें पता नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको हमें तोड़ेंगे 6 6 36, इसको तोड़ते हैं पहले 2 को, 6 × 6 × 6 × 4 लिख सकते हैं ना इसको, इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। 6 × 24 एक 6 ले लिया, और एक सेकेंड, देखिए 24 पाई 1/3, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 3 से 3 खत्म, पाई से पाई ख़त्म। यहाँ आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर × 24 है, यहाँ 4 है, आर क्यू है, ये 4 से कटा तो ये 6 हो गया, ये 6³ हो गया, ये आर क्यू हो गया, तो आर इक्वल टू 6। स्पेयर की जो रेडियस होगा वो 6 ही होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें मीन निकालना है, मीन कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्मा x1 निकालना पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा, और फिर सिग्मा xi f1 निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को निकालना पड़ेगा, और सिग्मा x1 f1 डिवाइडेड बाय सिग्मा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितने हैं वो हो जाएगा n, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। x1 क्या होता है, x1 होता है इनके बीच की फ्रीक्वेंसी, 0 6 के बीच की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 6 से 12 के बीच में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे कितना हो गया 18 9 हो गया, इन दोनों के बीच कितना हो गया ये कितना हो बताइए 15 हो गया, ये कितना हुआ 21 हो गया, 18 और 24 के बीच में 21 हो गया, वैसे 24 और 30 के बीच में कितना हो गया 24 30 के बीच में हो गया आपका 27 हो गया। अब देखिए 3 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में 5 से कीजिए, और 15 में 10 से कीजिए, 21 से 12 में कीजिए, 27 से 6 में कीजिए, मल्टीप्लाई आया, अब जितने मल्टीप्लाई आए हैं उनको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई को जोड़ दिया, अब प्लस में जितने 7 + 5 + 10 + 12 + 6 करके उसको डिवाइड दीजिए तो मीन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इनका मीन दिया हुआ है 25 है, ठीक है, मीन कितना दिया है 25, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे ही आपको इसमें भी देखिए मीन 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो मीन बराबर क्या होता है समेशन ऑफ f1x1/n, n कितना है ये सबको जोड़ दीजिए, 4 6 10 10 10 20 6 16 20 6 26 26 पी, एन हो गया 26 + पी। और देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे इसके बीच में 5 आया, इसका 15 आया, इसका 25 आया, इसका 35 आया, इसका 45 आया, इन सब में जो नीचे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके 15 है तो देखिए यहाँ 15 है, 4 वाला इसके तो आप 20 + 6 = 15 90 + 6 = 90 + 250 इस सब को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, अब प्लस 26 / पी, जोर के जो लिखा आपने गुना करके वहाँ लिख के, या 25 है इसको मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, बस आपको मैं हिंट दे रहा हूँ आप समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है द मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, इसका मोड क्या है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एफ हमें निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू L1 F1 - F0/2 F1 - F0 F2/H। आपको पता है कि L किसको बोलते हैं, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को बोलते हैं, ठीक है, ठीक, F1 किसको बोलते हैं जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 किसको बोलते हैं मॉडल क्लास जस्ट पहले वाला, F2 किसको बोलते हैं मॉडल क्लास जस्ट वाला, H क्या होता है इनके बीच का इंटरवल होता है 10 10 का सब में इंटरवल, ये समझ गए आप। चलिए मोड हमें पता है कितना है 36
ठीक 36 है, 36 देखिए किससे किसके बीच में आ रहा है, 36 आ रहा है आपका 30 और 40 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो आपका F1 कौन देगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 16, F1 कितना हो गया आपका 16 हो गया, F0 हो जाएगा F और F2 हो जाएगा 12। उसके बाद इस पर फार्मूला पे आप बैठा लीजिए, मान निकल जाएगा। L आपको पता ही है, L हो गया 30 लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, और H आपको पता है इनका इंटरवल है, समझ गए। चलिए सेक्शन बी को देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 63, सम है फर्स्ट 7 टर्म का AP का 63 एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड 20 और 8 टर्म। देखिए 7 टर्म्स का क्या होगा, n/2, तो 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इजकल टू 63, ठीक है। और नेक्स्ट 7 टर्म का क्या होगा, तो मतलब कि 8 से लेके कितने टर्म तक जा रहा है वो बताइए, यहाँ n की जगह पे 7 रख दीजिएगा, ठीक है। 7-1 ये 6d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 7 टर्म का, नेक्स्ट 7 टर्म का कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 7 टर्म का तो n/2, 7/2 2a प्लस नेक्स्ट 7 टर्म का कितना हो जाएगा, 161 दिया है ना, तो नेक्स्ट 7 टर्म का हमें पहले जो 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 से लेकर 14 टर्म्स का हमें योग दिया है, कितना 161, ठीक है। तो 14 देखो 14/2 इंटू 2a प्लस टोटल n कितना है इसमें 13d इजकल टू 161 में से 163 घटा दीजिए, 163 भी जोड़ दीजिएगा इसमें, तब ये आएगा 161 और 63 कितना हो गया, 63 हो गया आपका 161 और 63 ये 4, 6, 12, 126 226 हो गया। अब ये इक्वेशन अब पहले वाला से 7/2 2a + 6d इनको आप करके ये 63 हो गया। ये 226 क्यों जुड़ा, क्योंकि हमने लास्ट द नेक्स्ट 7 टर्म दिया है लेकिन हमने शुरू से किया है इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। अब इनको क्या करना, आप इक्वेशन 1 और 2 से वो कर दीजिएगा, और उसके बाद एन डी का डी और ए का वैल्यू वो आ जाएगा ना, तो किसी एक में अगर डी की वैल्यू आ रही है तो किसी एक में रख के ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे हम लोग उसमें किया था, उसके पास ए प्लस 27d कर दीजिएगा तो 28 टर्म निकल जाएगा, समझ गए, हिंट समझ गए, बस बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, अच्छे से बताया जाएगा। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक आदमी है वर्टिकल टावर पे है, ठीक है। ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड्स हिम, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इफ़ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज, ये मान लीजिए एंगल डिप्रेशन क्या होगा, ये मान लो 12 मिनट लेती है यहाँ से यहाँ आने में का, ठीक है। ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, 12 मिनट लगा। हाउ सून आफ्टर दिस द कार विल रीच द टावर, यहाँ से फिर टावर के पास आने में कितना टाइम लगेगा, ये देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए मैन टॉप वर्टिकल टावर इनफॉर्म स्पीड इट टेक्स 12 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ इसको आने में, ठीक है। और ये मान लीजिए एच है, ये भी एच हो जाएगा क्योंकि 10:45 होता है। अब देखिए यहाँ से एच प्लस 1060 लीजिए, 1060 1/√3 PB PH प्लस कितना x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा h प्लस x इजकल टू h√3, यहाँ से एक इक्वेशन हो गया ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक उसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से h कितना लगेगा तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट बनाना है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, फॉर्म ए पॉइंट एट विच, ये देखिए रेडियस 4 सेंटीमीटर का है ये सर्किल, एक पॉइंट है बाहर 6 सेंटीमीटर पे, ये मान लीजिए ओ है, ये ए है, टेंजेंट बनाना है इस पर। अब देखिए क्या करेंगे, ओ ए को हम बाइसेक्ट करेंगे, ये ए को आधा से आधा लेके इधर काटेंगे, इधर सीधा लगेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे यहाँ से बना, फिर एक सर्किल बनाएंगे यहाँ से, ये जो यहाँ कट हो रहा है ना यहीं से हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है, यही टेंजेंट हो गया, ऐसे बना देंगे, समझ गए आप।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रेन वाटर फ्रॉम 22 meter एंड इंटू 20 meter रूफ ड्रेन्स इंटू सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ डायमीटर 2 meter एंड हाइट 3.5 meter. इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स 4/5 ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर, देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर. सबसे पहले पता है आपको, पहले रेनफॉल निकालना सेंटीमीटर. सबसे पहले देखिए, ये रूफ है, रूफ होता है ये रेक्टेंगल कर दिया है, रेक्टेंगल भी होता है लेकिन वो क्यूबॉइड की तरह होता है. तो मान लीजिए बी दिया है, एच दिया है, एल नहीं दिया है, ठीक है, एल ही हमको निकालना है. और सिलेंड्रिकल का क्या होता है फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें दिया हुआ डायमीटर. अब देखिए बी कितना दिया, 22, एच 20, एल नहीं पता, 22/7, ठीक है, आर 1 दिया है, एच 3/5 दिया है. इसको हल कीजिएगा, एल आएगा आपका मीटर में, इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, ठीक है, समझ गए. या फिर क्वेश्चन नंबर, इसमें इंटरनल चॉइस पे क्वेश्चन नंबर, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व आउट ऑफ ए वुडन सॉलिड क्यूब. एक इस वुडन सॉलिड क्यूब में से क्या है कि एक स्फीयर काट के निकाला जा रहा है, गोल निकाला जा रहा है, ठीक. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट. इस कितना बच गया, सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 7 का क्यूब होगा, ठीक. तो 3.5 लेंगे उसका रेडियस, ये स्पेयर है, मान लीजिए इसमें से स्पेयर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का होगा, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 7 हो सकता है, ठीक है, तो रेडियस 3.5 होगा. अब स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, स्पेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. इसकी में से देखिए, अब क्या करना है आपको, देखिए 7, ये क्यूब की वॉल्यूम उतनी होगी, माइनस 4/3 पाई कितना है, पाई आर कितना है, 3.5 लिया है क्योंकि डायमीटर उसका मैक्सिमम 7 हो सकता है, सर का पाई आर 4/3 क्यूब, ठीक है. अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा उसका, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें. सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी है, 4 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है. इन गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी, टेंजेंट है तो मतलब कि पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है. तो सर्किल ऑफ द सेंटर ओ है, एट द पॉइंट एम जो है, अदर टेंजेंट टू द सर्किल इज ड्रॉन कटिंग पी ए, ठीक है, एंड पी बी एट के एंड एम, ठीक. Prove that perpendicular the perimeter of PNK is equal to 2PB. अब देखिए बोल रहा है, ये तो आपका हो गया क्या, टेंजेंट हो गया, PA और PB टेंजेंट हो गया, तो PA is equal to PB हो गया. तो उसी प्रकार देखिए, ये देखिए ये रेडियस है, OM क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो PK is equal to PN हो जाएगा. और देखिए KM is equal to MN हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक. तो देखिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PNK 2PB. देखिए समझिए, PK प्लस KM प्लस PN प्लस MN, ये हो गया पेरीमीटर, ठीक है. अब देखिए PK PN को 2PK लिख सकते हैं क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है. और KM को NK को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2NK लिख सकते हैं, ठीक. अब देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, तो MN को BN लिख सकते हैं ना, तो BN इसके बराबर है, तो इसलिए ट्रायंगल PNK इज इक्वल टू 2PK. ये देखिए ये टेंजेंट हो गया ना, ये टेंजेंट से ये भी बराबर हो जाएगा, इधर से ये बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए ये ट्रायंगल इसका पेरीमीटर जो होगा इसके से इसके लेंथ से दुगना हो जाएगा, समझ गए बात को आप. चलिए बस समझने की बात है और कुछ नहीं है इसमें, नहीं समझ में आया तो बताइएगा. 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 100 families ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटीज आर गिवन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. आपको पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ,
बहुत ईजी है। एल प्लस पहले एफ वन में से एफ नॉट घटाइएगा बटा फिर टू एफ वन में से एफ नॉट और एफ टू को घटा दीजिएगा और एच से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब देखिए मॉडल क्लासेस में से कौन सा होगा। मॉडल क्लास फार्मूला आपको मैं विश्वास कर मुझे आशा है कि आपको फार्मूला याद होगा, मैं आसानी विश्वास। मॉडल क्लास हो गया 28 हो गया था, एफ वन की जगह पर 28 लिख दीजिएगा और एल की जगह मॉडल क्लासेस लोड लिमिट कितना 700 यहाँ 700 लिख दीजिएगा। एच कितना होगा, एच होगा 75 हो गया क्योंकि सबका इंटरवल 75 है, ठीक है। एफ नॉट क्या होगा, एफ नॉट हो जाएगा 21। एफ वन क्या होगा, एफ वन हो जाएगा आपका भाई 28 है। टू एफ वन एफ टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस इसको फार्मूला को यहाँ पर रख दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपका मोड निकालने का। मीन कैसे निकालेंगे, मीन का फार्मूला देखिए वैसे ही है, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बाई एफ इंटू एच। अब देखिए इसमें जो कैपिटल एफ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है मॉडल क्लास के ऊपर वाला। जैसे मॉडल आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने आता होगा, जैसे कि देखिए 10 में 14 जो पहले ऊपर वाला में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, दूसरे वाला 24 हो गया, 24 में फिर 15 जोड़िएगा तो 39 हो जाएगा। वैसे ही जो सबसे मॉडल क्लास को जस्ट ऊपर वाला जो आएगा ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 के जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको आप एफ मानिएगा। एफ आपको पता है ही, एन बाई टू क्या होता है, नंबर कितने हैं जो कम्युलेटिव इन सबको जोड़ दीजिएगा तो एन आ जाएगा। एच आपको पता ही है, एल पता ही है, फार्मूला क्या होता है मीडियन का, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ, ये एफ कैपिटल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है, ये स्मॉल एफ बाई एच, ये फार्मूला होता है मीडियन निकालने का, समझ गए। चलिए इसमें मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी है, ठीक है। कैपिटल ऑफ एफ वो होगा जो जो आपका मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी 28 है उसके जस्ट ऊपर वाला जो आप जो बॉक्स बनाइएगा जो टेबल बनाइएगा उसके ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसको कितना होगा बता देता हूँ। देखिए 10 14 15 39 और 21 कितना हो गया, 39 21 50 40 21 कितना हो भाई, इतना दिमाग निकाल 60 हो जाएगा ये एफ कैपिटल एफ, ठीक है। उसके बाद आप रख लीजिएगा, देखिए अब बोल रहा है द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 67 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एक्स। अब देखिए मोड का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई टू एफ वन माइनस एफ एफ नॉट माइनस एफ वन टू एफ वन सॉरी एफ वन एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। ये इसमें एच होगा, ठीक। अब देखिए मोड कितना दिया है, मोड दिया है आपको 67 इजकल टू एल कितना है, एल लोअर लिमिट कितना है फ्रीक्वेंसी के। देखिए ये भी एक्स भी हो सकता है, मॉडल क्लास एक्स भी हो सकता है, लेकिन नहीं 67 है ना, तो 67 किसके किसके बीच में आ रहा है, 60 और 70 के बीच में आ रहा है, तो मॉडल क्लास क्या होगा 15 ही होगा। तो एल हो गया आपका कितना 60 प्लस एफ वन कितना है 15 माइनस एफ नॉट कितना है एक्स बटा टू एफ वन कितना है 15 माइनस एक्स माइनस ये एफ टू कितना है 12 इंटू एच कितना है 10। इसको आप हल कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, समझ गए। चलिए ये केस स्टडी पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखिए द डिस्टेंस डेट ए कार ट्रेवल्स बिटवीन द टाइम एंड द ड्राइवर मेक्स द डिस्टेंस टू हिट द ब्रेक्स एंड द टाइम ऑफ द कार एक्चुअली स्टॉप इज कॉल्ड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। मान लीजिए कि यहाँ से एक ड्राइवर है, ये हुआ, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पर चल रहा है, ठीक है, स्पीड हमें पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ इसको रुकना है इस ड्राइवर को, तो यहाँ से वो ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, और जो ब्रेक लगाने पर पास जाके कार जो यहाँ पे रुका, ये जो डिस्टेंस जो उसने तय किया उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं, समझ गए। उसको निकालते कैसे हैं, देखिए निकालने का यहाँ दिया है फॉर ए सर्टन कार ट्रेवलिंग भी, अगर वो स्पीड भी से चल रहा है, गति उसकी भी है, द ब्रेकिंग डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस का वी प्लस 20 डी प्लस 1 बाई 20 बी स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, अगर हमें डी निकालना है, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, तो बी की जगह 50 से दीजिए, 50 प्लस 1 बाई 20 50 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, डी निकल जाएगा, ठीक है, 50 से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए ड्राइवर डिसाइड टू ब्रेक 150 मीटर, बोल रहा है कि ये मान लीजिए यहाँ से ये है, ये 120 मीटर है, ठीक है, तो बोल रहा है कि स्पीड कितना होगा, तो हमें क्या करना है, डी कितना दिया है 120
इजकल टू वी प्लस वन बाई 20 वी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 1/22 हो जाएगा, 12×24 दो इतना हो जाएगा इजकल टू वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिएगा, वी की वैल्यू आएगी प्लस में और माइनस में, तो हमेशा गति जो होती है, जो स्पीड होती है, वो प्लस में होती है, तो प्लस वाला साइन अप ले लीजिएगा। ठीक है, समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है इसमें। अब देखिए 14 नंबर है आपके ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, एफिल टावर ये बनाया गया है। द एफिल टावर इज लैंडमार्क एंड अर्ली एग्जांपल ऑफ रोट आयरन कंस्ट्रक्शन ऑन ए मैग्नेटिक प्लेन। द लोअर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 इमेंस, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इमेंस शेड लेग्स सेट ऑन मेसनरी पिलर्स, मेसनरी पिलर्स। द लेग्स कर्व इनवर्ड अंटिल दे यूनाइट इन ए सिंगल टेपर टावर। यहाँ जाके इनवर्ड की तरफ ये कर्व है, जब तक ये जाके तीनों मिलने गए हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इच विथ एन ऑब्जर्वेशन डेक आर द 3 लेवल्स, ऑन द फर्स्ट इज ऑल्सो रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट हो सकता है। द टावर कंस्ट्रक्टेड अबाउट 7,000 टन ऑफ आयरन, ये जो टावर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है 7,000 टन से बना है। हैज़ स्टेयर्स एंड एलिवेटर, इसमें सीढ़ी भी है, एलिवेटर एवेलेबल, मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, ए रेडियो कम्युनिकेशन स्टेशन एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंटीना, एज वेल एज सिटी ऑफ रूम्स डेट वेयर बी बाई एफिल टावर अलोकेट नियर द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर पर ये सब है। ठीक है, ये ऊपर का जितना लिखा उसको छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग 130 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हवाई ऑफ द एफिल टावर, यहाँ से 130 मीटर एक खड़ा है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ये मान लीजिए यहाँ सेंटर से यहाँ पे कोई 324 मीटर पे खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से कितना बन गया, कितना बना है 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ये हो गया कितना 324, 1045 लगाएंगे, 1045 इक्वल टू 1 होता है, तो पी बाई बी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो एफिल टावर की भी लंबाई 324 मीटर होगी। ठीक है, समझ गए। दूसरा देखिए, ए कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स द एफिल टावर, इट टेक्स 50 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप टू टावर। देखिए डिप्रेशन बोल रहा है, यहाँ से ऊपर से है, ये मान लीजिए कार आ रही है, इसका हमने हाइट निकाली तो 324 निकल गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये पहले वाला 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक, ये उसी प्रकार जो क्वेश्चन था, दो नंबर वाला में क्वेश्चन था, ये कितना यहाँ से यहाँ आने में इसको 15 मिनट लगता है। ठीक है, यहाँ से आना हमें कितना मिलेगा, देखिए ये देखिए 324 है, ये 324 है। ठीक, तो ये वाला डिग्री 60 डिग्री है, देन 60 कितना होता है, रूट 3 होता है, तो पी कितना है 324, ये हमें पता नहीं इसका डिस्टेंस कितना है, और कितना 10√3, तो x√3, तो 324/√3 √3/√3 324, 6×3=9, 3 से कटेगा, 3 में 324 से डिवाइड दीजिए, कितना हो गया 108 √3 है, 108√3 इसकी ये लंबाई होगी। ठीक है, ये वाली जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें 108√3 निकली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में उसका लगता है 12 मिनट, हम ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 324 दिया है, निकाला था पहले वाले क्वेश्चन से, और ये 1030 कितना होता है, 1/√3, 324√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना हो गया, 324√3 हो गया डिस्टेंस। अब देखिए 324 में से 1√3 घटाइए कितना हो जाएगा, 324 में से 108 घटाइएगा तो हो जाएगा 14 में से आएगा 116, 116√3 हो गया, 116√3 जाने में उसको 15 मिनट लगता है, तो 108√3 जाने में कितना लगेगा, तो 108√3 × 15 × 15 बटा 116√3, √3 से √3 ख़त्म, 100, अब देखिए 108 × 15 बटा 116, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो टाइम पता चल जाएगा। ठीक है,
समझ गए। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।